पंजाब भर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपए कमी के बाद पंजाब की हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है, जिसके बाद उकाड़ा में रोटी 20 रुपए की बजाय 15 रुपए और नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सानू पहले 20 रुपए की रोटी मिलती सी, हुण सानू 15 रुपए की मिलती। असि मरियम नवाज का बहुत शुक्र गुजार हाँ। पहले नान में सानू मिलते सी 150 दे पांच नान, हुण अलहमदुलिल्लाह सानू मिलते पहले 100 रुपए दे पांच नान, ते वज़ीर आला दा जिहड़ा ना शुक्रिया अदा करने हैं। पहले रोटी 20 रुपए का था, अब 15 रुपए का होगा। हुकूमत को थोड़ा सा तो रिलीफ दिया है ना आवाम को। पहले मुझे 100 रुपए की 5 रोटियाँ मिलती थी, अब 75 रुपए की 5 रोटियाँ मिल रही हैं। मरियम नवाज का शुक्रिया जिसने गरीबों के लिए रोटी सस्ती की है। ज़िला भर में 100 ग्राम से कम वजन और ज़्यादा कीमत पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोटी की 15 रुपए में फरामी को यकीनी बनाने के लिए 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद हैं, जिन्होंने 140 मुकामात पर तंदूरों और होटल्स पर जाकर रोटी और नान के वजन और कीमतों को चेक किया। 25 खिलाफ वर्जियों पर 1,00,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, जबकि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से रोटी की कीमत में कमी से आवाम और ख़ास तौर पर खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले तबके को रिलीफ मिल रहा है।